आज इस वीडियो में हम खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास टेंथ एमए एग्जामिनेशन 2021 मैथमेटिक्स पेपर वन सॉल्व करेंगे. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर. सो वी हैव दिस टेबल एंड वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर वन एंड टू विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन टेबल. The cumulative frequency preceding the median class. Median class से पहले वाली हमें cumulative frequency को identify करना है. So cumulative frequency किस तरह से calculate होती है. So let's see, this is the column for cumulative frequency. First cumulative frequency will be same 7. Then next क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं जब हम 16 को 7 के साथ ऐड कर देंगे. सो 16 प्लस 7 विल बी इक्वल टू 23. देन 23 और 24 को ऐड कर देंगे सो वी विल गेट 7 एंड 4. इसी तरह से 13 और 47 को ऐड कर देंगे सो वी विल गेट 60. And 60 एंड प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू 70. ये हमारे पास हर क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई. अब हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है मीडियन क्लास को. मीडियन क्लास मालूम करने के लिए वी हैव अ सिंपल फार्मूला दैट समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2. सो 70 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 35. सो वी हैव टू identify the 35 in cumulative frequency. So this is less than 35, this is less than 35, this is greater than 35. It's mean this is our median class. ये हमारी median class आ गई. और median class की जो cumulative frequency है it is 47. हमें identify करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास. मीन्स मीडियन क्लास से पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23. वी हैव दिस इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू द सेम गिवन टेबल. और इस टेबल के अंदर हमें अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है फॉर द मॉडल क्लास. एंड मॉडल क्लास की हमें अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है. सो मॉडल क्लास इज द वन दैट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 24. सो दिस इज द मॉडल क्लास. ये हमारी मॉडल क्लास आ गई. और मॉडल क्लास की हमें अपर क्लास बाउंड्री मालूम करनी है. सो वी हैव द क्लास इंटरवल्स. और ये हमारे पास हो जाएगा 69.5 और ये हमारे पास हो जाएगा 79.5. सो इस मॉडल क्लास की 69.5 इज द लोअर क्लास बाउंड्री एंड 79.5 इज द अपर क्लास बाउंड्री. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन डी 79.5. Let's come to question number 3. For this given observation, we have to find the variance of this given data. So, the variance in which summation x equals 9 and summation x square is equal to 19. And in this question, we have total number of 5 observation. It's mean n is equal to 5. So, formula, we have to identify the variance of this data. So, variance ka jo formula hai, wo kuch is tarah se hota hai. Summation x square over n minus summation x over n whole square. ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर वेरिएंस. वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो समीशन एक्स स्क्वायर इज 19 डिवाइडेड बाय एन इज 5 माइनस समीशन एक्स इज 9 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल स्क्वायर. सो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस होल इक्वेशन वी विल गेट 0.56. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.56.
Let's come to our next question, that is question number 4. The given pie chart shows the number of students together with their favorite fruits in the school. So, ये हमारे पास एक pie chart मौजूद है और हर pie chart में fruits के साथ number of students मौजूद है. What is the percentage of students who have favorite fruit orange? So, orange की हमें percentage मालूम करनी है. So, percentage of orange will be equals to orange के हमारे पास जो number of students है that is 40 divided by the total number of students. So, हम यहां से count कर लेते हैं 45, 60, 40, 50 and 25. इन सब को हम add करके denominator में लिख देंगे और multiply कर देंगे with 100 to get the total percentage. So, denominator में हमने इन तमाम fruits के number of students को add कर दिया 25 plus 45 plus 50 और सॉरी 50 नहीं 60 आ जाएगा यहां पर प्लस 40 प्लस 50 तो इन तमाम नंबर्स को ऐड करके देन 40 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे सो वी विल गेट 18.18%. सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी 18.2%. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 4. Now let's see question number 5 and 6. The given data in ascending order represents the ages of people who visited a shop in a day. Or if the median of the data is 28, हमारा जो data है उसका median 28 है और और डेटा जो है हमारे पास ऑलरेडी यहां पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर गिवन है तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स जो यहां पर मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17. सो टोटल नंबर ऑफ डेटा इज 17 और इसका जो मीडियन है इट इज 28. सो नंबर ऑफ मीडियन अनग्रुप डेटा का फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं हम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म को मालूम करते हैं. सो n हमारे पास 17 है तो 17 प्लस 1 इज 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9th. सो द 9th टर्म is the median of the data. So the 9th term is equal to p. So it means median jo hai wo p ke barabar hai aur median yahan pe kaha tha ki 28 hai. Median is equal to 9th term aur 9th term is equals to 28 और is equal to p. So question number 5 का जो correct answer है it will be equal to 28. Then we have to find the mode of the data. Mode is the most reoccurring value in the data. Most repeating value. So let's see what is the most repeating value. So 35 occurs 3 times in the data. 35 3 times आ रहा है, p 2 times आ रहा है, तो और 42 times आ रहा है, और 9 2 times आ रहा है, तो the most occurring value is 35, that is occurring 3 times in the data. So the correct answer will be option B, that is 35. So this is the correct answer. Now let's see question number 7. X over Y equals A over 2 and X bar is equals to A over 2. We have to find the value of Y bar. So, the given is X over Y that is equal to A over 2. Or, agar hum median le le the variables X and Y ka, so X bar over Y bar will be equals to A over 2. हमें y bar की value find out करनी है, so x bar divided by a over 2 will be equals to y bar. y bar right hand side पे shift कर दिया और a over 2 को divide कर दिया.
एक्स बार हमें गिवन है इट इज ए ओवर टू, तो इसे हम सब्सिट्यूट कर देते हैं एक्स बार की जगह ए ओवर टू, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ए ओवर टू मौजूद है. लेट्स कैंसल आउट दीज टू टर्म्स, सो वाई बार विल बी इक्वल्स टू वन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर एट. इफ ए ओवर वन ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द वेरियंस ऑफ एक्स इज बी, देन वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. So this is the given variance of x multiplied by a square is b. तो यहाँ से हमने कुछ इस तरह से लिख लिया, वन ओवर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ x इज इक्वल्स टू b. सो वेरियंस ऑफ x निकालने के लिए ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेरियंस हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर आ गया. वी नो दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x. सो वेरियंस ऑफ x को जब हमने स्क्वायर रूट के अंदर प्लेस किया, सो ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया टाइम्स स्क्वायर रूट बी. सो द करेक्ट आंसर इज ए स्क्वायर रूट बी, दैट इज इन ऑप्शन ए. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नाइन. क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करते हैं. x माइनस फोर एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन. तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको थर्ड वाले ब्रैकेट को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं x प्लस फोर एक्स माइनस फोर के अंदर. और फैक्टराइज करने के बाद एज वी कैन सी वी हैव द रिपीटेड फैक्टर, सो हम उसे पावर ऑफ टू स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, x माइनस फोर का होल स्क्वायर एंड x प्लस फोर का होल स्क्वायर. सो दीज स्क्वायर विल बी कैंसल आउट विद द स्क्वायर रूट, सो वी विल गेट प्लस माइनस एक्स माइनस फोर एंड एक्स प्लस फोर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन. सो ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया विद द प्लस माइनस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर नाइन विल बी ऑप्शन सी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टेन. We have to find the least common multiple of these three expression. This is the first expression, this is second, and we have this third one. So, सबसे पहले तो हम इसे factorize कर लेते हैं. X4 minus A4 will be equal to X square plus A square and X plus A एंड एक्स माइनस ए. ये हमने फैक्टराइजेशन कर दी. देन यहाँ हमारे पास एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन में. और यहाँ फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा, उसको एज इट इज लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. वी नो दैट एल सी एम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर. सो कॉमन फैक्टर जो हमारे पास इन तीनों में मौजूद है, दैट इज इक्वल टू वन. दो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो वन है. और अनकॉमन फैक्टर अगर हम देखें, तो दिस इज द अनकॉमन फैक्टर एक्स माइनस ए. देन वी हैव द अनकॉमन फैक्टर एक्स प्लस ए. और फाइनली हमारे पास अनकॉमन फैक्टर के अंदर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मौजूद है. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा आंसर आएगा इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, सो रिजल्ट वुड बी एक्स फोर माइनस ए फोर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. We have to find the HCF, highest common factor. So the factor of this first expression will be y minus 1 and y minus 1. इसी तरह से second expression हो जाएगा y plus 1 and y plus 1. And y square minus 1 is equal to y plus 1 and y minus 1. So अगर हम इन तीनों में common factor देखें, so common factor कॉमन फैक्टर इन दो तीनों एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन है. कोई पॉलिनोमियल जो है वो कॉमन नहीं है. सो वन इज ये एच सी एफ, कॉमन फैक्टर एच सी एफ इज इक्वल टू वन. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन ए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12. इन क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. सो उसे सिंप्लीफाई करते हैं.
यहाँ हमारे पास जो एलसीएम है वो एक्स आ गया, और जब हमने सिंप्लीफाई किया तो न्यूमरेटर बिकम्स एक्स माइनस वन, एंड सेकेंड फ्रैक्शन को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, एक्स एंड एक्स विल बी कैंसल आउट, द करेक्ट आंसर वुड बिकम एक्स माइनस वन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 को सिंप्लीफाई करते हैं. सो सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास जो एल सी एम है डिनोमिनेटर का वो आ जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और टू के साथ हमारे पास यही दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो यहाँ से हम जो है वो ए माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर से ए प्लस बी कॉमन आ गया. सो न्यूमरेटर में हमारे पास बच जाएगा टू ए माइनस टू बी माइनस ए प्लस बी, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. सो ए प्लस बी और ए प्लस बी को कैंसल आउट कर देते हैं, और टू ए माइनस ए विल बिकम प्लस ए, एंड माइनस टू बी माइनस बी विल बिकम माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन डी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. द एलसीएम ऑफ एक्स माइनस वन एंड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन. सो इसके फैक्टर हमारे पास एक्स माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स माइनस वन. सो जब हम कॉमन फैक्टर देखते हैं तो कॉमन फैक्टर इसका आ जाता है एक्स माइनस वन, और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस वन. सो जो इसका एलसीएम है वो हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर. सो द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए एक्स माइनस वन होल स्क्वायर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16. The highest common factor of these two terms, 2kx square and 3x square minus 6x is 3x. We have to identify the value of k. So, इसे हम further factorize कर देते हैं. 3x square minus 6x, 3x common ले लिया हमने. अंदर आ जाएगा x minus 2. और दूसरा जो एक्सप्रेशन था वो था 2kx square. तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है इट इज 3x. कॉमन फैक्टर जो है वो 3x है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें जो है वो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ हम k की जगह इन वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं, और पुट करके देखते हैं कि यहाँ जो एक्सप्रेशन फॉर्म होता है उसके अंदर कॉमन फैक्टर 3x बनता है या नहीं बनता. सो अगर k की जगह मैं 6 पुट कर दूँ, लेट से 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू एक्स स्क्वायर. सो ये हमारे पास हो जाएगा 12x स्क्वायर एंड 3x और x माइनस. Now let's see question number 16. 1 over 1 minus x divided by 2 over x minus 1. So, इसे हम simplify करते हैं, and for simplification, हम second fraction को multiply करके इसे reciprocate कर देते हैं x minus 1 divided by 2. और अगर हम minus common ले लें, so it will become x minus 1. मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू. सो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वन ओवर टू. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए माइनस वन ओवर टू. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17. टू ए इक्वल्स टू फाइव एक्स स्क्वायर बाय फोर. Then the square root of is of 5 over 2a is equal to. So actually हमें square root मालूम करना है 5 over 2a का.
सो टू ए की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 5x² y 4. 5 and 5 कैंसल आउट हो जाएंगे, सो वी विल गेट प्लस माइनस 1/x² का रूट x हो जाएगा और y 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा y². सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इन क्वेश्चन नंबर 17, 1/xy² Now let's see question number 18. On solving the equation, we have to find the value of x, and the equation is 3 = -3x/2. So 3 और 3 cancel कर दिया हमने. 2 जो है वो equation की दूसरी side पे multiply हो जाएगा. So -x = 2. So +x = -2. So the correct answer will be option A. Then we have question number 19 and 20. The solution of this inequality will be, so 7x - 7 > -7. 7 common ले लेते हैं हम, so we will get x - 1 > -7. 7 and 7 cancel out हो गए, so x - 1 > 1. So x > 1 + 1, x > 2. So the correct answer for this question number 19 will be, let's see, this is -1. माइनस वन के साथ ये प्लस वन कर देंगे, सो इट विल बिकम जीरो. सो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, इट विल बी ऑप्शन डी, x > 0. Then we have question number 20, और 20 में हमें इस modulus equation को expand करना है. So modulus of 1 - x = 0. Modulus expand करेंगे, so 1 - x will be equal to 0. And प्लस माइनस करके हमें सॉल्व नहीं करना, बिकॉज यहाँ जीरो मौजूद है. x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो x will be equal to 1. So the correct answer is option A. Then we have question number 21 and 22. The solution set of this equation: √x - 1/4 = 1/2. Taking a square on both sides, so equation will become x - 1/4 = √√1/2, that is 1/4. So x = 1/4 + 1/4 = 2/4 and 1/2. So the value of x finally is 1/2. Let's see the correct answer we have in option B. If √x - √k = √k, then the value of √x/2. So root x equation है, तो इसे हम पहले तो यहाँ note कर लेते हैं. √x - √k = √k, and √x = √k + √k. इस negative square root को हम दूसरी जगह पर shift कर दिया. So √x = 2 √k. क्वेश्चन में हमें मालूम करना है √x/2, तो इस 2 को हम इक्वेशन के इस साइड पर ले आते हैं, तो इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी √x/2, दैट विल बी इक्वल्स टू √k. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑप्शन डी, दैट √x/2 = √k. Now let's see question number 23. Which of the following inequality satisfy the solution set x - 1 > x < 1 > x > -1? तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम इसे सिंप्लीफाई करें. सो मॉड्यूलस ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 1 - 1, सो x > 0. सो यहाँ हमारे पास जो उसका सोल्यूशन आ रहा है, इट इज x > 0. इसी तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे सॉल्व करने से मॉड्यूलस ऑफ x < 1 - 1 = 0. सो x will be less than 0.
भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से हम ये ऑप्शन बी को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, सो बी को सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाय 8, सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन प्लस 1 एंड मॉड्यूलर एक्स विल बी लेस देन माइनस 1। तो सॉल्यूशन सेट इज लेस देन प्लस 1, यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन प्लस 1 आ रहा है, इट्स मीन दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें सो 8x विल बी ग्रेटर देन 8 एंड 8x इज ग्रेटर देन माइनस 8। सो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स विल बी लेस देन प्लस 1 and x will be greater than minus 1। तो so solution set given था हमारे पास वो option A से आ रहा है, so option A is the right answer। Then question number 24 में value of x find करनी है, so square root of x minus 1 equals to 1, square root of x is equal to 2 and x will be equal to square root 2। लास्ट स्टेप में हम करेक्शन कर लेते हैं, दैट स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स विल बी इक्वल टू 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर 24। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। फॉर द गिवन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन मौजूद हैं एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 9 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 15, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें सो वी विल गेट 2x, 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे और 15 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 24, सो वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम 12। So the correct answer will be option C, that is 12. Now let's come to question number 28. We have to identify the coordinates of this point H. This is point H in which the value of x is minus 3 and the value of ordinate is 4. So the coordinates of H will become minus 3, 4. So correct answer will be option A of question number 26. Let's see question number 27. Which of the following points lie on this given line? The option A is 4, 4, so this is 4 and this is 4, so 4, 4 will lie at this point, 3, 2 will lie at this point, and 0, -1 will lie at this point, and -1, 0 will lie at this point. So it means the option D is the point that lie on this given equation. So option D is the right answer. Then we have question number 28 with respect to the same graph given in the above question. If a point lie on this given line and its ordinate is minus 3. So, एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट y इक्वल्स टू माइनस 3 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एप्सिसा। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो माइनस 3 पे जो x की वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस 3, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज दिस पॉइंट। तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर जाकर देखें तो वैल्यू ऑफ x और एप्सिसा इज माइनस 4, सो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन में हमारा 28 में हो जाएगा, इट इज ऑप्शन बी माइनस 4। Then we have question number 29, which of the following option shows an order pair? Order pair को write करने का, लिखने का जो proper तरीका है वो इस तरह से है कि हम दो parentheses के अंदर एप्सिसा और ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ कॉमा सेपरेटिंग देम, और तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। Now quickly let's come to question number 30, and in 30 we have a triangle and we have to find the value of tangent phi.
So we know that tangent phi is equal to perpendicular over base. So this is our perpendicular and this is our base. So perpendicular is C and the base is B. So correct answer will be of question number 30 is option D, C over B. Then we have question number 31. In the given diagram, we have to find the arc length AB. The formula for this is L equals R theta. Value of R is 9 meters and theta is given in radian 0.5. So it will be equals to 4.5 meter. The value of arc length in question number 31 is 4.5. The correct answer will be option B. Now let's simplify the given expression sec squared theta minus 1 multiplied by cot theta. We know that sec squared theta minus 1 itself is equal to 10 square theta, or cot theta is equal to 1 over tangent theta. So 10 and square will be cancelled out. So simplify होने के बाद जो हमारा expression है वो remaining होगा tangent theta. So correct answer is option B. We have to find the value of cosec square 45 degree. So the value of cosec 45 is square root of 2. So अगर हम cosec square की value find करेंगे, cosec square 45 degree, cosec square 45 degree will be equals to 2. So the correct answer will become option A, that is 2. Let's come to question number 34. Here we have question number 34. We have to find the value of sine theta, that is equals to perpendicular over hypotenuse. So this is hypotenuse, this is perpendicular, and this is base. So perpendicular side is BC and hypotenuse side is AC. So correct answer for question number 34 will be option C, BC over AC. Then we have 35. In the given triangle, we have to find the value of AC. This is hypotenuse, this is perpendicular, and this is base. So we know that hypotenuse will be equal to square root of perpendicular square plus base square. So if we simplify it, perpendicular square will become 19.5 square and base is 21.5, so 21.5 square. जब हम इसे simplify करेंगे, तो simplify करने के बाद we will get 29.026 centimeters. So correct answer is option C. Now let's come to question number 36. If pi radian is added to 180 degree, then the result in radians will be equals to what? So pi radian is added to 180 degree, that is all itself is equal to pi, because 2 pi is equals to 360 degrees and 1 pi is equals to 180 degrees. These are measured in radians and these are measured in degrees. So it's mean pi radian added to pi radian will become 2 pi radians. 2 pi radians ke barabar ho jayega ye. So the correct answer will become option B, 2 pi. Let's see question number 37. In a sector, the ratio of arc length to the radius is 3 is to 5. We have to find its central angle. So the ratio of arc length to the radius, arc length or radius ke darmiyan ratio given hai. So r theta hume pata hai equal hota hai arc length ke. So L over r will be equals to theta. So L over r, that is the ratio of arc length to the radius, that is 3 over 5. So 3 over 5 theta, yahan L over r means L ratio r. So iski value hume given hai 3 over 5.
that is equals to theta. So 3 over 5 is equals to theta. So the correct answer will be equal to 3 divided by 5, that is 0.6 radians. Option B is the right answer. If r square is equals to 15 over theta, and the area of the sector. So area of the sector is equals to r square theta divided by 2. ये हमारे पास formula होता है for area of the sector. R square की value हमें given है 15 over theta multiplied by theta divided by 2. So theta and theta will be cancelled out. So area will be equals to 15 over 2. So the correct answer will become 7.5 square meter. Or square unit. So option A is the right answer for this question number 38. The tangent of the angle is negative. Tangent theta hume identify karna hai ki kaun se quadrant ke andar negative hota hai. So this is quadrant plus x minus x plus y and minus y. So tangent theta we know that is equals to y over x. So jab dono mein se koi ek x is negative hoga to tangent become negative. Y is negative in downward direction, it's mean yahan par tangent jo hai wo negative aayega. Aur second quadrant ke andar jo tangent hai wo negative आएगा because y is plus, x is minus और यहाँ x plus और y minus. So question number 39 का जो answer है वो हमारे पास हो जाएगा second quadrant and fourth quadrant. So correct answer is option C, 1 and 3. Let's see question number 40. 2 sec square theta minus 10 square theta is equal to what? So we know that sec square theta minus 1 is equal to tangent square theta. So sec square theta equal ho jayega 10 square theta plus 1 ke. To isi hum yahan par substitute kar dete that 2 sec square theta ki jagah 10 square theta plus 1 और माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा. जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे सो 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 एंड माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा विद स्क्वायर रूट. सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी. Then we have 41. In the given right angle triangle, if DE is equals to 2 times EF, DE is equal to 2 times EF, we have to find the value of DF. So let's apply the Pythagoras theorem. DF square is equal to DE square plus EF square. So DE हमें question में कहा है कि 2 EF के बराबर है, तो DE की जगह हम 2 EF put कर देते हैं, 2 EF square plus EF square is equals to DF square. इसे simplify करेंगे, so we will get 4 EF square plus EF square. So correct answer 41 में हमारे पास आ जाएगा option D. Now let's see question number 42. In the given diagram, O is the center of the circle, RTN, RS. RTN, TS are two tangents drawn to the circle. तो दो tangents हमारे पास given and we know that these two tangents are equal. OR is the radius of the circle, that is equals to x, and OT is equal to 2x minus 1. So yahan hamare paas 90 degree form hota hai. Hame find out karna hai RT ki value ko.
सो यहाँ हमारे पास जो ओ आर गिवेन है इट इज़ एक्स, और ओ टी जो कि हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल का इट इज़ 2x+1। तो अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें सो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर टी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ टी की वैल्यू हमें गिवेन है 2x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी जो कि हमें मालूम करना है आर टी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम आर टी मालूम करते हैं तो आर टी इक्वल हो जाएगा 2x+1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 2x+1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी हैव अ डायग्राम रिलेटेड टू 43 एंड 44। इन दोनों क्वेश्चन के अंदर हमें सेम डायग्राम को यूज करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एंगल आर एस पी। सो आर एस पी इज दिस एंगल, एंड इस एंगल से हमें पता चल रहा है बिकॉज एस आर इज द डायमीटर। ये हमारे पास एक डायमीटर है एंड एंगल ऑपोजिट टू डायमीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो ये 90, दिस इज 35, सो दिस एस विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, वी हैव सब्ट्रैक्टेड 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 55 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ टू टाइम्स एस क्यू पी। एस क्यू पी इज दिस एंगल, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। वी नो दैट कि ये दोनों एंगल जो है वो बराबर होते हैं बिकॉज दीज आर द एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सो ये दोनों 35 के बराबर है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय एस क्यू पी इज 35, सो रिजल्ट वुड बिकम 70 डिग्री। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 विल बिकम 70 डिग्री। Then we have question number 45. If two circles touches each other externally and their radii are C and B. दो सर्कल जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सो द डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस। दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है इट इज सी एंड बी, तो ये रेडियस सी आ गया और ये रेडियस बी आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सो वी नो दैट इफ द टू सर्कल्स टचेज एक्सटर्नली द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई, सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स वुड बिकम बी प्लस सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वी हैव 46। इन दिस गिवन डायग्राम ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियाई 4 एंड 5। सो ये सर्कल का जो रेडियस है ए टू डी इट इज 4, और सी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू 5। इफ सी डी इज इक्वल्स टू 3, सी डी जो है वो हमारे पास 3 है। ई एफ हमें मालूम करना है, ई से लेकर एफ तक का डिस्टेंस। सो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 4 के बराबर है। ई एफ हमें मालूम करना है, यहाँ एफ और ई के दरमियान का डिस्टेंस। सबसे पहले हम वैल्यूज को पुट करते हैं, ई से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस है ये 4 है, और दूसरा जो सर्कल है बी से एफ तक उसका डिस्टेंस हमारे पास है 5, और सी से डी तक का जो डिस्टेंस है सी से डी तक का डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है 3, और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस भी हमें पता है कि इट इज़ इक्वल टू 5 बिकॉज ये रेडियस है, तो डी से बी तक हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 2, और ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 के बराबर। सो हमें जो ई एफ मालूम करना है, सो वी कैन सी दैट ई एफ इज इक्वल्स टू
ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस प्लस डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस। सो ई से लेकर डी तक का डिस्टेंस जो स्मॉलर सर्कल है उसका डायमीटर है, सो 4 + 4 विल बिकम 8। और डी बी का जो डिस्टेंस वो अभी हमने निकाला इट इज़ 2, और बी एफ का जो डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू 5। सो टोटल आंसर जो हमारा बन रहा है 15। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। लेट्स कम टू क्वेश्चन 47। इन अ गिवन डायग्राम ए डी एंड ए बी, ये दोनों हमारे पास टेंजेंट्स मौजूद हैं, इट्स मीन ये दोनों बराबर होंगे। और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओ बी एंड ओ एफ, ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस बिल्कुल सही है, बराबर होगा, बिकॉज दीज टू आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ए ओ एंड ए डी, ए ओ एंड ए डी आर नॉट इक्वल बिकॉज ए डी जो है वो हाइपोटनियस बन जाता है, सॉरी ए ओ जो है वो हाइपोटनियस होता है और ए डी जो है वो स्मॉलर साइड है, परपेंडिकुलर है, बराबर नहीं होंगे। ए डी एंड ए बी आर इक्वल बिकॉज दीज टू आर टेंजेंट्स। सो ओवरऑल ये दो कंडीशंस हमारे पास ट्रू हैं, 1 and 3। सो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा इट इज ऑप्शन सी, 1 and 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 48। इन दिस डायग्राम ए बी एफ इक्वल्स टू 90। सो एंगल बी जो हमारे पास यहाँ आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। ए डी एफ हमें मालूम करना है, सो दिस इज द एंगल ए डी एफ। सो एज वी कैन सी इन द डायग्राम दैट बी एंड डी, एंगल बी एंड एंगल डी, दीज टू आर दी एंगल्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज कोऑर्डिनेट्स हुज वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। सो वी नो दैट इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180। The sum of these two angles is 180 degrees. So question के अंदर हमें यहाँ पे कहा था कि this angle is less than 90, ये वाला angle जो है वो less than 90 है, less than 90, तो इसका मतलब है this angle should be equal to greater than 90. So इन दोनों का जो sum है वो 180 के बराबर होता है। So option B would be the right answer for this question number 48. Now let's come to question number 49. Let's see question number 49. In this diagram, O is the center of the circle and DAF equals to 30 degree. So DAF is 30. So here we will have 30 degrees and we have to find the value of this whole expression. So DOF, DOF is this angle that will be equal to 60 degree. DOF हमारे पास 60 degree हो जाएगा because central angle जो है वो segmental angle का double होता है. Then DAF, DAF is equals to 30. So यहाँ हमारे पास 30 आ जाएगा. और डी बी एफ अगर हम देखें तो डी बी एफ भी जो है वो 30 के बराबर होगा बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इन दी सेम सेगमेंट, सो ये भी 30 हो जाएगा। सो टोटल आंसर हमारा जो 49 का है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। सो ऑप्शन ए हेयर विल बी आर राइट आंसर। Now finally let's come to the last question in this year 2021. In this diagram O is the center of the circle and DAE is 35. So DAE is 35, तो यहाँ हमने 35 नोट कर लिया। DE equals to BC, DE और BC ये दोनों बराबर हैं। और BOC हमें मालूम करना है, BOC। ओके, सो बी ओ सी हमें मालूम करना है जो कि यहाँ पर इसका सेंट्रल एंगल है। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कुछ इस तरह से करते हैं कि जो
एंगल ए फॉर्म हो रहा है फ्रॉम द कॉर्ड ई डी, सो हम ई डी से जो है वो एक सेंटर पे एंगल फॉर्म कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 70 डिग्री डबल ऑफ दिस एंगल. सो दिस एंगल ए जो फॉर्म हो रहा है वो कॉर्ड ई डी से फॉर्म हो रहा है जो कि सेगमेंट में मौजूद है, और ई डी से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज़ 70 डिग्री जो कि 35 का डबल है. सो ये जो एंगल हमें मालूम करना है बी ओ सी जो कि यहाँ पर सेंटर में मौजूद है, सो कॉर्ड्स आर इक्वल, इसका मतलब इनके जो सेंट्रल एंगल हैं वो भी बराबर होंगे. सो अगर यहाँ 70 डिग्री आ रहा है तो इट्स मीन ये भी 70 डिग्री के बराबर होगा. सो द राइट आंसर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर 2021 इज ऑप्शन सी.